सुप्रीम कोर्ट में एक हैरान करने वाला मामला पहुंचा है। एक शख्स ने आरोप लगाया था कि जिसे वो ब्याह कर लाया है वो महिला नहीं मर्द है, उसके साथ धोखाधड़ी हुई है। पीड़ित ने इस मामले में न्याय दिलाने सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाई थी। सुप्रीम कोर्ट शुक्रवार को पीड़िता की याचिका पर विचार करने के लिए सहमत हो गया कि निश्चय ही कथित पत्नी पर धोखाधड़ी के लिए आपराधिक मुकदमा चलाया जाना चाहिए, क्योंकि उसके पास पुरुष जननांग है, वो महिला नहीं मर्द है। यह मामला सबसे पहले मई 2019 में सामने आया था। तब ग्वालियर के एक मजिस्ट्रेट ने पीड़ित द्वारा दायर शिकायत पर उसकी कथित पत्नी के खिलाफ धोखाधड़ी के आरोप में संज्ञान लिया था। पीड़ित ने आरोप लगाया था कि उसकी शादी 2016 में हुई थी, लेकिन शादी के तत्काल बाद उसे पता चला कि उसकी पत्नी औरत नहीं एक मर्द है, उसके पास पुरुष जननांग है, यानी वो इस शादी के लिए पूरी तरह से अक्षम है, उन दोनों के बीच शारीरिक संबंध नहीं बन सकते हैं। पीड़ित ने कथित पत्नी और उसके पिता के खिलाफ FIR दर्ज कराने के लिए अगस्त 2017 में मजिस्ट्रेट से संपर्क किया था। पहले सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर सुनवाई करने में अनिच्छा जताई थी, लेकिन न्यायमूर्ति संजय किशन कौल और MM सुंदरेश की पीठ ने आरोपी पत्नी से जवाब अवश्य मांगा था, लेकिन पीड़ित ने कोर्ट के सामने पत्नी की मेडिकल रिपोर्ट पेश की। इसमें बताया गया कि उसकी पत्नी के पास एक लिंग और अविकसित हाइमन है। अविकसित हाइमन एक जन्मजात विकार है, यह योनि को बाधित करता है। पीड़ित के वकील सीनियर एडवोकेट NK मोदी ने बेंच को बताया कि भारतीय दंड संहिता की धारा 420 के तहत यह एक आपराधिक मामला है, क्योंकि पत्नी एक पुरुष निकली है। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले इसे सब्सक्राइब कर ले, साथ में रेड कलर के बेल आइकन को दबाए, जिससे कि रोजाना देश विदेश की खबरें आप तक पहले पहुंच सके। साथ में आप अपने सुझाव को हमारे कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।